हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे जामुन का सिरका। ऐसे मैंने एक बार और जामुन का सिरका रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो अलग तरह से बनाई थी मैंने। ये जामुन सिरका जो मैं अलग तरह से बनाऊंगी, तो कुल दो तरीके से हमारे जामुन का सिरका बन जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने अच्छे से जामुन को धो लेना है। इसे पहले अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी या फल हम बाजार से लाते हैं तो उसे पहले अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि उनमें धूल या मिट्टी लगी हुई होती है जो कि हमारे सिरका या अचार को बनाने में ख़राब करेगी। तो पहले अच्छे से धो लेंगे, इसकी धूल मिट्टी को हटा देंगे। हल्के हाथों से धोएंगे क्योंकि पके हुए फल है। हल्के हाथों से धोते हुए इसका पानी अलग कर लेंगे। फिर इसे किसी कपड़े पे पंखे की हवा में सुखा देंगे। जैसे ही इसका पानी सूख जाता है तो इसे फिर से हम उसी बर्तन में उठा लेंगे, क्योंकि इसमें आगे हमें नमक मिलाना होता है। तो जितना बड़ा बर्तन हमने पहले धोने के लिए लिया था, उतना ही बड़ा बर्तन हमें इसको नमक को मिलाने के लिए इसे लेना है। तो यहाँ पे जामुन को अच्छे से हमने धो के सुखा लिया है, इसे फिर से हम बर्तन में उठा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 किलो जामुन है, तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे नमक का। 2 बड़े चम्मच नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अलग तरह से हम सिरका बना रहे हैं, तो ये भी पुराने तरीके से लोग बनाते थे, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नानी माँ इस तरीके से सिरका बनाते थे। तो मैं वो सिरका रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी नानी माँ ने मुझे बताया था। जामुन में नमक मिला देने से इसकी स्किन जो होती है बहुत जल्दी गल जाती है, तो हमारा सिरका बनाने के लिए सही रहती है। जामुन में नमक हमने अच्छे से मिला के इसे जार में डाल देना है। जार हमें उतना ही बड़ा लेना है जितने हमारे जामुन हैं, ताकि जामुन इसमें अच्छे से आ सके और थोड़ी सी उसमें जगह रह सके। जार में थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए जामुन को भर देने के बाद। उतना ही बड़ा हमें जार लेना है, ज़्यादा छोटा जार नहीं लेंगे, ताकि जामुन पूरे तरीके से भर जाए और इसमें रस बनने के लिए जगह ना बचे। जामुन को जार में भरने के बाद हमने इसे एयर टाइट ढक्कन से बंद कर दिया था, या फिर आप इसके ऊपर कपड़ा बांध के इसे धूप में रख सकते हो। 2 दिन के लिए हम इसे धूप में रखेंगे। जब 2 दिन इसको धूप लगाए हो जाएगा तो इसका कलर देखिए किस तरीके से चेंज हो जाता है। काले जामुन एकदम पर्पल कलर के हो जाते हैं। 2 दिन धूप लगने के बाद ये जामुन का देखिए स्किन एकदम गल गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि इनको मसल के हम इसका पूरा जूस निकाल सकें। तो यही जूस हमारा सिरका बनेगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, जो बर्तन आपको यूज़ करना हो उस बर्तन में आप इस जामुन को निकाल लीजिए। 2 दिन धूप रखने के बाद ये जामुन का कलर भी एकदम चेंज हो गया है। जामुन को निकालने के लिए उतना ही बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें ये सारे जामुन आसानी से निकल सके, और इनका जूस निकालेंगे तो थोड़ा सा ये भर जाएगा। तो उतना ही बड़ा बर्तन लेना हमें। इसे फिर हम हाथों से मसलते हुए इसका जूस निकालेंगे। ये बहुत आसानी से मसल सकते हैं, क्योंकि ये नमक के कारण गल चुके हैं और इनकी स्किन है जो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, गुठली को ये एकदम छोड़ चुकी है। तो हाथों से मसलते हुए इसका हम जूस निकाल लेते हैं, तो प्योर वाला सिरका बनेगा, बहुत ही हेल्दी सिरका होता है। इसे पीने से आपके पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही गुणकारी ये सिरका बनके तैयार होता है। तो मसले हुए जामुन को हम किसी कॉटन के कपड़े पे निकाल लेंगे, और नीचे हमें छन्नी रखना है, उसके नीचे कोई बर्तन रखेंगे ताकि इसका जूस निकल के उस बर्तन में जा सके। मार्केट में महंगे मिलने वाला जामुन का सिरका आप घर पे आसानी से बना सकते हो। सिर्फ आपको जामुन लाने की ज़रूरत है और इसमें कुछ भी नहीं लगता है। बहुत ही कम पैसे में ये जामुन का सिरका आपका घर पे बन के तैयार हो जाता है, जो कि आप ढेर सारा एक साथ बना सकते हो। सुबह सुबह खाली पेट जामुन का सिरका पीने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको अगर पेट से संबंधित कोई समस्या है तो वो दूर हो जाती है, आपके स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो वो दूर हो जाती है, आपके बॉडी में ब्लड की कमी है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो बहुत गुणकारी है जामुन का ये सिरका। आप इसे साल भर तक के लिए बना के स्टोर कर सकते हो। बहुत सारी दवाइयों का काम करता है ये जामुन का सिरका, जो कि आप बहुत कम पैसे में आप इसे बना सकते हो। तो लीजिए, हमने एकदम प्योर वाला जामुन का जूस कलेक्ट कर लिया है। इसे हम अब किसी कांच की शीशी या फिर कांच के जार में इसे डाल देंगे।
क्योंकि इसे हम महीने भर तक के लिए धूप में रखेंगे तो ये हमारा जामुन का सिरका बनके तैयार होगा। इसी तरीके का सिरका मैंने एक रेसिपी इसके पहले भी बना के बताई थी आपको, वो भी मेरे इस चैनल पे है, तो उस तरीके से भी आप जामुन का सिरका बना सकते हो और ये तरीका भी जामुन के सिरका बनाने का है। तो दोनों तरीके ही कारगर हैं, तो दोनों ही सिरके बहुत अच्छे बनते हैं जिस भी तरीके से आप बना सकते हो। तो लीजिए, हमने इसे कांच की बोतल में भर लिया है, इसे अब हम रख देंगे एक महीने के लिए धूप में। और इधर हमने जो गुठलियाँ बचा के रखी थी, छान के रखी थी, इसे भी हम धूप में सुखा देंगे। गुठलियों को भी सुखा के इसका हम पाउडर बनाएंगे जो कि बहुत फायदेमंद होता है। सिरका बहुत अच्छे से बन चुका है, इसे हम अब छान लेते हैं किसी कांच के जार में ताकि इसके अंदर जो भी काद जमी हो जाती है, नमक के कारण काद जम जाती है, उसे हम छान लेते हैं ताकि काद ऊपर रह जाए और जामुन का प्योर सिरका हमारा अलग हो जाए। तो देखिए, सीसी से हमने इसको छान लिया है फिर से एक बार ताकि इसकी काद निकाल लें और जामुन का सिरका हमारा प्योर वाला बन के तैयार हो। तो बहुत ही गुणकारी जामुन का सिरका हमारा बन के तैयार है एक महीने धूप में रखने के बाद। इसे हमने अच्छे से छान लिया है फिर से, तो ये देखिए ऊपर में ये जो काद होती है वो सीसी में जम जाती है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, जिसके कारण इसका पूरा एक एक कण जो है जामुन का वो गल चुका है, तो इस तरीके से जामुन में काद जम जाती है। इसे हम छान लेते हैं, उसके बाद जार को हम एयर टाइट ढक्कन से बंद करके रख देंगे और इसे हम डेली यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सुबह सुबह पीना हो आप इससे आप सिरका निकालिए और पी सकते हैं। तो लीजिए, ये जामुन का सिरका बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से सिरका ज़रूर बना के देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।